नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका चार का चक्रव्यूह में। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए चल रहे निर्माण कार्यों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में रक्षा कार्यालय परिसरों का उद्घाटन कर दिया। साथ ही सेंट्रल विस्टा की नई वेबसाइट को भी लॉन्च किया है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे भी मौजूद रहे। नए डिफेंस कॉम्प्लेक्स में रक्षा मंत्रालय के करीब 7000 कर्मचारियों को शिफ्ट किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस दौरान कहते हुए नजर आए कि पुराने रक्षा परिसर इतने जर्जर हो गए थे कि टूटने के कगार पर थे। अब 7000 से ज्यादा अधिक कर्मचारी और अधिकारी नए परिसर में अच्छी कार्यकारी परिस्थितियों में काम कर सकेंगे। ये परिसर 21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से बने हैं और यहाँ हर तरह की सुविधाएं भी हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। साथियों, राजधानी की आकांक्षाओं के अनुरूप दिल्ली में नए निर्माण पर बीते वर्षों में बहुत जोर दिया गया है। देश भर से चुनकर आए जनप्रतिनिधियों के लिए नए आवास हो, अंबेडकर जी की स्मृतियों को संजोने के प्रयास हो, अनेक नए भवन हो जिन पर लगातार काम किया गया है। हमारी सेना, हमारे शहीदों, हमारे बलिदानियों के सम्मान और सुविधा से जुड़े राष्ट्रीय स्मारक भी इसमें शामिल है। इतने दशकों बाद सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बल के शहीदों के लिए राष्ट्रीय स्मारक आज दिल्ली का गौरव बढ़ा रहा है। और इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता ये रही है कि इनमें से अधिकतर तय समय से पहले पूरे किए गए हैं, वरना सरकारों की पहचान यही है, होती है, चलती है, कोई बात नहीं, 4-6 महीना तो देर स्वाभाविक है। हमने एक नया वर्क कल्चर सरकार में लाने का ईमानदारी से प्रयास किया है ताकि देश की संपत्ति बर्बाद न हो, समय सीमा में काम हो, निर्धारित खर्च से भी कुछ कम खर्च में क्यों न हो और प्रोफेशनलिज्म हो, एफिशिएंसी हो। इन सारी बातों पर हम बल दे रहे हैं। ये सोच, ये अप्रोच में आई एफिशिएंसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण आज यहां प्रस्तुत है। डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स का भी जो काम 24 महीने में पूरा होना था वो सिर्फ 12 महीने के रिकॉर्ड समय में कंप्लीट किया गया, यानी 50% समय बचा लिया गया। वो भी उस समय जब कोरोना से बनी परिस्थितियों में लेबर से लेकर लॉकडाउन, डिकना फलाना न जाने कितनी सारी कठिनाइयों से बीच हम गुजरे हैं, इन तमाम प्रकार की चुनौतियां सामने थी। कोरोना काल में सैकड़ों श्रमिकों को इस प्रोजेक्ट में रोजगार मिला है। इस निर्माण कार्य से जुड़े सभी श्रमिक साथी, सभी इंजीनियर, सभी कर्मचारी अधिकारी, ये सब के सब इस समय सीमा में निर्माण के लिए तो अभिनंदन के अधिकारी है, लेकिन साथ साथ कोरोना का इतना भयानक जब खौफ था, जीवन और मृत्यु के बीच में सवालिया निशान थे, उस समय भी राष्ट्र निर्माण के इस पवित्र कार्य में जिन जिन लोगों ने योगदान किया है पूरा देश उनको बधाई देता है, पूरा देश उनका अभिनंदन करता है। ये दिखाता है कि जब नीति और नियत साफ हो, इच्छा शक्ति प्रबल हो
और प्रयास ईमानदार हो तो कुछ भी असंभव नहीं होता है, सब कुछ संभव होता है। मुझे विश्वास है देश की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का निर्माण भी, जैसे हरदीप जी अभी बड़े विश्वास के साथ बता रहे थे, तय समय सीमा के भीतर ही पूरा होगा। कि प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता, उनकी काल्पनिक क्षमता और दृढ़ इच्छा शक्ति का यह परिणाम रहा है कि आज डिफेंस ऑफिसेज कॉम्प्लेक्स का यहां पर उद्घाटन हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी रक्षा मंत्री होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि रक्षा क्षेत्र के इतिहास में यह एक उल्लेखनीय कार्य हुआ है, आपके मार्गदर्शन में हुआ है। सेंट्रल विस्टा की इस ऐतिहासिक परियोजना में पहली अचीवमेंट यह डिफेंस के नाम से होना, हमारी ओवरऑल सिक्योरिटी के प्रति जो आपका कमिटमेंट है, आपकी सरकार का जो कमिटमेंट है, इसको यह दर्शाता है। न्यू दिल्ली के जिस हिस्से में हम सेंट्रल विस्टा, जिसे हम सेंट्रल विस्टा के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण आज से लगभग एक शताब्दी पहले अस्थायी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था। राष्ट्रपति भवन के इर्द गिर्द जो भी हटमेंट्स हम देखते हैं, वे दरअसल, जैसा पुरी जी ने बताया, सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय में बैरक थे, अस्तबल थे, और वह भी पूरी तरह से अस्थायी थे। परंतु कालांतर में यह अस्थायी व्यवस्था धीरे धीरे अस्थायी होती चली गई। वक्त के अनुसार बदलाव की जरूरत थी, जैसे वक्त के अनुसार आप बराबर उसके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन वह बदलाव नहीं हो पाया। यथा स्थितिवाद का जो रवैया है, उसके कारण यह हम लगातार उसी रास्ते पर चलते गए। और मैं समझता हूं कि यह हटमेंट्स उन्हीं विरासतों में से एक है। किसान आंदोलन के चलते संभावित नुकसान को कम करने के लिए बीजेपी ने योजना तैयार कर ली है। इस योजना के तहत बीजेपी किसान मोर्चा 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक एक अभियान चलाने जा रही है। बीजेपी किसान मोर्चा इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के हर छोटे बड़े गांव तक पहुंचकर किसानों को 3 कृषि कानूनों और सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देगा और उसके फायदे भी बताएगा। करीब 2 महीने तक चलने वाले इस अभियान के दौरान बीजेपी किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश के छोटे बड़े गांव तक पहुंचकर किसानों को केंद्र राज्य सरकार द्वारा खासतौर पर किसानों को लेकर चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी देगा। इस अभियान के दौरान किसान मोर्चा किसान नेताओं द्वारा किसानों के जहन में जो सवाल खड़े किए गए हैं, उन सभी का जवाब भी दिया जाएगा। साथ ही ये बताने की कोशिश करेगा कि किसान नेता लोगों को सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं। दरअसल 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर के बीच चलने वाले इस अभियान के दौरान किसान मोर्चा की कोशिश होगी कि वो उत्तर प्रदेश के किसानों को ये समझा सके कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो योजनाएं शुरू की हैं, उसका सबसे ज्यादा फायदा छोटे किसानों को मिलेगा। इस दौरान किसान मोर्चा किसानों के सामने आंकड़ों के तरीके बताने की कोशिश भी करेगा कि 3 कृषि कानूनों के आने के बाद किस तरीके से किसानों को फायदा मिला है और आने वाले सालों में किस तरह का फायदा मिल पाएगा। इसी कड़ी में 18 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में किसान सम्मेलन को भी संबोधित कर सकते हैं और तभी से ही इसकी असल शुरुआत मानी जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि योगी आदित्यनाथ इस मौके पर किसानों को लेकर कुछ बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर बीजेपी की रणनीति साफ है कि किसान आंदोलन से होने वाले किसी भी तरह के संभावित नुकसान को कम किया जा सके और इसी कड़ी में बीजेपी किसान मोर्चा इस अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। गौरतलब है कि अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसमें से 2 राज्य ऐसे हैं जिसमें किसान आंदोलन का सीधा असर पड़ सकता है और ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश और पंजाब। इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी किसानों तक पहुंचने के लिए अलग अलग योजनाओं पर काम कर रही है और किसान मोर्चा का यह अभियान भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। इसके अलावा ये भी खबरें सामने आई हैं कि कई केस उत्तर प्रदेश में जो किसानों पर दर्ज किए गए थे वो वापस लिए जा रहे हैं। आइए सुनते हैं ऐसे में किसान नेता का क्या कुछ कहना है। उत्तर प्रदेश सरकार जो आज ये करना चाह रही है कि हम पत्ती पराली के मुकदमे वापस लेंगे और तमाम मुद्दों पर, ये मुकदमे लगाए किसने हैं?
और किसान के सम्मान में अगर ये मुकदमे वापस ले लेंगे, जुर्माना वापस कर देंगे, लेकिन जो किसान का सम्मान चला गया, जो उसका अपमान हुआ है, जो पुलिस उसके घर पहुंची है, जो समाज में बदनामी हुई है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? और जिसके परिवार के बच्चे और घर वाले 9.5 महीने से बॉर्डर पर बैठे हैं, वो लोग कैसे भाजपा के बखावे में आ जाएंगे? जो हमारे मेन मुद्दे हैं, वो सारे मुद्दे तो अभी बाकी हैं। हमारे गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, हमारी बिजली का कुछ नहीं हो रहा है, आवारा पशुओं से किसान परेशान है, तो इन्हीं सब मुद्दों पर किसान आज भी आक्रोश। तो किसानों को अब मनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। आगे बढ़ते हुए बात अब एंटरटेनमेंट जगत की कर लेते हैं, बॉलीवुड की। जी हाँ, गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले सोनू सूद मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अभिनेता सोनू सूद पर इनकम टैक्स की कार्रवाई गुरुवार को लगातार दूसरे दिन भी जारी है। बुधवार शाम से गुरुवार सुबह तक इन ठिकानों पर आईटी की टीमों ने लगातार 20 घंटे तक अकाउंट बुक्स, इनकम, खर्च और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की जांच की। गुरुवार सुबह एक छोटे से ब्रेक के बाद जांच टीम फिर से रिकॉर्ड खंगालने में जुट गई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने अभिनेता के घर पर मौजूदा उनके परिवार और स्टाफ के लोगों से भी पूछताछ की है। अभिनेता के घर से अधिकारी कुछ फाइलें और कागजात भी अपने साथ ले गए हैं। कोरोना काल में सोनू सूद ने हजारों लोगों की मदद की। इनका एक एनजीओ भी चल रहा है जिसका नाम सूद चैरिटी फाउंडेशन है। ये एनजीओ हेल्थ केयर, एजुकेशन, नौकरी और तकनीकी एडवांसमेंट पर काम करता है। आईटी अधिकारियों का यहां भी जाकर जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग एक रियल एस्टेट सौदे की जांच कर रहा है। बीते 27 अगस्त को ही दिल्ली सरकार ने सोनू सूद को स्कूली छात्रों से जुड़े प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस दौरान उनके आम आदमी पार्टी में शामिल होने की अटकलें भी चल रही थी, पर सोनू ने खुद कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी सियासत पर कोई बात नहीं हुई है। सोशल मीडिया में चर्चा जारी है कि सूद को आप पार्टी के साथ जुड़ने के कारण टारगेट किया जा रहा है, तो इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोनू सूद के समर्थन में ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि सच्चाई के रास्ते पर लाखों मुश्किलें आती हैं, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। सोनू सूद जी के साथ भारत के उन लाखों परिवारों की दुआएं हैं जिन्हें मुश्किल घड़ी में सोनू जी का साथ मिला। वहीं आम आदमी पार्टी नेता अतिशी ने ट्वीट पर एक वीडियो पोस्ट किया और आयकर विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठाए। अतिशी कहती हैं कि सोनू सूद ऐसे व्यक्ति हैं जो न सिर्फ बॉलीवुड के फिल्म मास्टर हैं, बल्कि एक सोशल वर्कर और जनता की मदद करने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने कोविड के दौरान लोगों को राशन पहुंचाया, लोगों की मदद की। ये बहुत दुखद बात है कि भाजपा की सरकार उनको डराने के लिए एक आईटी रेड कराती है। इस सर्वे को वो कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अपना काम किया जा रहा है। 48 साल के सोनू हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और तमिल फिल्मों में काम कर रहे हैं। जल्द ही वो एक पीरियड ड्रामा पृथ्वीराज में दिखाई देंगे। इसके अलावा वो तेलुगु एक्शन ड्रामा आचार्य में भी काम कर रहे हैं। सितंबर 2020 में सूद को कोरोना महामारी के दौरान उनके मानवीय कार्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में 2020 SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड दिया गया। फिलहाल वो देश के हर खासवाम की मदद के लिए सूद चैरिटी फाउंडेशन चला रहे हैं। वहीं इस पर आप नेता अतिशी का क्या कुछ कहना है, जो वीडियो उन्होंने जारी किया है वो भी आपको दिखाते हैं। आज बॉलीवुड के नामी गिरामी एक्टर सोनू सूद के घर आईटी डिपार्टमेंट ने उनको डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए एक सर्वे किया। ये जो सोनू सूद हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ना सिर्फ बॉलीवुड के फिल्म स्टार हैं, बल्कि एक सोशल वर्कर, एक समाज सेवी और जनता की मदद करने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने कोविड के दौरान लोगों को राशन पहुंचाया, लोगों की मदद करी। देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जब माइग्रेंट्स नहीं जा पा रहे थे, जब वो पैदल निकल पड़े थे, उन्होंने खुद पैसा रेस किया, चैरिटी की, फिलंथ्रोपी की और लोगों को अपने अपने घर पहुंचाया। ये बहुत दुखद बात है कि केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार, उनको डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए एक आईटी रेड करती है, जिसे सर्वे कहते हैं वो। ये बहुत क्लियर मैसेज है जो केंद्र सरकार दे रही है कि हम नहीं चाहते कि इस देश में, इस देश की जनता के लिए कोई भी अच्छा काम करे। अगर कोई अच्छा काम करेगा तो हम उसको डराएंगे, हम उसको धमकाएंगे। आखिरकार सोनू सूद का दोष क्या है? क्या सोनू सूद का दोष है कि उन्होंने लॉकडाउन में लोगों को खाना बांटा?
क्या सोनू सूद का दोष है कि उन्होंने लॉकडाउन में दिल्ली से, बंबई से, भोपाल से, बैंगलोर से लोगों को अपने अपने घर पहुंचाया? क्या ये करने से, लोगों की मदद करने से वो केंद्र सरकार की आंखों में, बीजेपी की आंखों में गुनाहगार हो गए? ऐसा क्यों है कि कोई भी अच्छा काम, कोई भी ऐसा काम जो जनता के हित में हो, लोगों के, देशवासियों के हित में हो, वो केंद्र सरकार को बर्दाश्त नहीं होता है? और यही कारण है कि सोनू सूद जैसे व्यक्ति के घर पे आज आईटी डिपार्टमेंट का रेड हुआ है, और हम इस आईटी डिपार्टमेंट के रेड का खंडन करते हैं, और हम केंद्र सरकार को और भाजपा को ये बताना चाहते हैं कि इस देश में अच्छा काम करने वाले लोग आपकी इन धमकियों से डरने वाले नहीं। अब बात यूपी की फिरोजाबाद की होगी, क्योंकि यहाँ पर डेंगू बुखार और वायरल मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और स्थिति भयावह लगातार बन रही है। पिछले एक महीने से लगातार फिरोजाबाद का नाम जो है वो टॉप पर चल रहा है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा डेंगू और वायरल बुखार के मरीज सामने आ रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे लगातार इसकी जद में आ रही हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज में मरीजों की संख्या 450 से ज्यादा हो गई है, जबकि बड़ी संख्या में मरीज आगरा और दिल्ली में भी इलाज करवा रहे हैं। वहीं जिले में बच्चों की सुरक्षा के लिए अनेक परिवार गांव छोड़कर चले गए हैं। हालात देखिए, जिसकी गवाही उनके घरों पर पड़े ताले दे रहे हैं। डेंगू बुखार और वायरल का प्रकोप फिरोजाबाद के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार फैलता जा रहा है। तो ऐसे में लगातार पिछले एक महीने से हम फिरोजाबाद पर नजर बनाए हुए हैं। मेरे सहयोगी ने वहां जाकर हालातों का जायजा लिया है, किस तरह की तस्वीरें हैं देखिए। फिरोजाबाद में डेंगू वायरल फीवर का कहर जारी है, इसको लेकर आज हम मौजूद है फिरोजाबाद के सौथैया अस्पताल पर, जहाँ आज हम चेक यहाँ की रियलिटी चेक करेंगे, देखेंगे कि यहाँ जो बच्चे भर्ती है किस तरीके से उनको इलाज मिल रहा है और डॉक्टर उनकी किस तरीके से देखभाल की जा रही है, और वहाँ पे साफ सफाई को लेकर आज हम स्वास्थ्य अस्पताल की रियलिटी चेक करेंगे। मेरी बच्ची मुस्कान है, उम्र उसकी 14 वर्ष है, और मैं डॉक्टर साहब को दिखाया था तो उनने दवा दे दी, उससे कोई रिलीफ मिला नहीं, ना एडमिट किया बच्ची को। अब मैं काफी देर से इंतजार भी कर रहा हूँ, मैं एक बार नहीं दो बार दिखा चुका बच्ची को, फिर कोई सुनाई नहीं। सुबह से आया हूँ खून टेस्ट कराने के लिए, मेरी लड़की है, मेरी और एक भतीजी है, उनका कोई वो नहीं हो रहा है, बुखार है उनके, घर में सर में दर्द है, गोड़ों में दर्द है, बुखार जा रहा नहीं है, दवाई खाके भी नहीं जा रहा, दवाई ले ली वही नहीं खा के जा रहा। आप लोग अंदर मिले भर्ती कराने के लिए, क्या कहा गया? अंदर मिले तो यूँ कह रहे शाम को रिपोर्ट आ जाएगी तब मैं देखूंगा। मचती है गैस इवन के, बुखार वगैरह भी है क्या? हाँ बुखार है, उसको दलवाई थी गांव से, लेकिन अभी कंट्रोल है थोड़ा बुखार में, वैसे सही नहीं, पेट से कुछ खाता पीता है। मेरे बच्चे की बहुत तबीयत खराब है, आज सुबह के टाइम हाथ पैर हट गया था, ना पे लेके आए तो ना पे एडमिट करा, और रिपोर्ट खून की जाँच करी, अभी तक नहीं थी लोगों ने, रोड डेली कर रहे हैं, अभी दे रहे हैं आधे घंटे बाद, दो घंटे बाद, अब 6 बजे ही बोल दिया। हम परेशान हो रहे हैं, बच्चों को रहे हैं, दस्त बहुत ज्यादा हमारे, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी, हम बहुत इस टाइम ऊपर वार्ड में है ना, उसको कोई सुनवाई हो रही, हम डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर हमसे मने का कहता दो घंटे बाद आई, एक घंटे बाद आई रिपोर्ट, हम इतने परेशान हो रहे हैं, हमें कोई बात संज्ञान तो लेकर चीज का हमारा जी। अभी 2-3 दिन से भर्ती थी यहीं पर, रात बिना सर ने छुट्टी कर दी इसकी, और हम ले गए घर पे, गए इसको कोई परेशानी नहीं है, अब जी घर पे जाके कल से यहाँ पर ही नहीं देख रही थी किसी को, अब ले गए तो अब लेटी है, लेटर पे ही नाक टेढ़ी कर रही है, झटके से ले रही है, अभी मैंने यहाँ खिलाने के लिए किया तो इसकी दांत ही मिसकी, मेरी उंगलियां भी दाबली आग न टेढ़ गई ऊपर को, और पेट भी इसका तना सा है। अब भर्ती की कह रहे हैं, अभी भर्ती कराएंगे। ऐसा था कि मैंने लड़की को 3 दिन पहले ये सौसैया सामने हॉस्पिटल में भर्ती किया था, 3 दिन पहले, 4 दिन हो गए होंगे, ठीक है, तो उसका नाम क्या है, मेरी लड़की की तबीयत पहले दिन सही हो गई, दूसरे दिन सही हो गई, तीसरे दिन उसने उल्टी करना शुरू कर दिया, उल्टी करने के बाद इसका पेट फूलना शुरू हो गया, तो हमने डॉक्टरों से कहा कि भाई इसका अल्ट्रासाउंड कराओ, अल्ट्रासाउंड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिट्टी का कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो जाएगा, आपका इलाज आप करिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अब उन्हें लास्ट पोजीशन पर, जब मेरी बेटी ने बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया, खाना तो खाई नहीं थी, कल तक पानी छोड़ दिया, तब उन्होंने एट ए टाइम मुझे यहाँ पे भेजा, और भेजने के बाद अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मुझे
पांच मिनट के अंदर मिली, जैसे इंटरफॉल वैसे रिपोर्ट वैसे ट्रांसफर। मेरे नानी, मेरे पति का नेत्र बाल बिंदी वाले, रोज कमाते रोज खाते हैं। कितने बच्चे हैं आप पर? कितने बच्चे? छह लालियां मुझ पे भैया। वैष्णवी भी कितनी बड़ी थी? मेरी 12 साल की थी और 11 ही मेरे पापा के पापा ने ध्यान भूली तो 11 साल की लिखवा दी। 12 की हुई थी नौ दुर्गा में। और मैंने कब लाई थी आप? 4 दिन आ गए मेरी को। क्या बोला, कैसे गया था, क्या क्या बोला था? मोशन हो गई, मैं डॉक्टर साहब जा दिखा रहे सवेरे, डॉक्टर साहब जा पेट भुल्लो है, पेट भुल्लो है जी। सवेरे रात पैसा होना गई, 9-10 बजे तो पैसा होना गई जे। कल भी अल्ट्रासाउंड की बोला था। क्या बात है, क्या परेशानी है? तो बोलियो गए डॉक्टर दादवाई के सवेरे, अब डॉक्टर आगे बड़े उनसे अल्ट्रासाउंड करा लियो। मैंने डॉक्टर साहब पेट भूलो, अल्ट्रासाउंड करा दे, अल्ट्रासाउंड करा नहीं रहे, वो नहीं रहे, ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट चलना है, इन्फेक्शन है। ये तो आज तो ये बच्ची का, आज तो मुझे फोन पे इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आज भी कोई डेथ हुई है और इस तरीके से लापरवाही से हुई है। जब मैंने इस बच्ची की लापरवाही सुनी, ये बिल्कुल सच लगी, क्योंकि ये 2-3 दिन पहले भी मुझे रोज कॉल्स आते हैं, ठीक है, लापरवाही से लेके कि मैम हमारी 6 महीने की बच्ची, उसको बचा लीजिए, ये लोग बहुत लापरवाही कर रहे हैं। रोज कॉल्स आते हैं। 2 दिन पहले कॉल आया था इसी तरीके से और मैं उसकी सहायता करने के लिए आई। मैंने देखा कि उसका ब्लड सैंपल लिया गया था, उस बच्ची के लिए रिपोर्ट 3 दिन से रिपोर्ट नहीं दी गई, साथ में उस बच्ची को कुछ भी दवा खिलाएंगे और पेट फूल जाएगा, मीन्स कि उसको किडनी इन्फेक्शन हो रहा है उस दवा से, लेकिन डॉक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने रिपोर्ट मांगना चाहा प्रधानाचार्य जी से और उन्होंने मुझे इतनी बदसलूकी से, जबकि मैंने उनसे कहा कि मैं महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष हूँ, उसके बावजूद भी मेरे साथ भी बदसलूकी हुई, उन्होंने साथ नहीं दिया मेरा, ठीक है। और उसके बाद मुझे बाहर से बाहर करके उस परिवार को धमकी दी गई, उसको मारपीट करने की कोशिश की गई, उसके वीडियोस, उसने लापरवाही के वीडियोस बनाए थे, उसके वीडियोस डिलीट करने की कोशिश की गई। और अभी 24 घंटे से वो बंदा कहाँ पे है मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो बच्चा के बच्चे का परिवार मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है, मुझे मालूम ही नहीं कि हुआ क्या उसके साथ। देखिए, प्रशासन की तरफ से डीएम साहब ने एक आदेश कर दिया कि कोई कूलर में पानी नहीं डालेगा, घास उसको जला दें, कोई घर में पानी के जिस रुकने का कोई स्रोत है उसे खत्म कर दें, पानी बगैर भरते हैं तो उसको डेली साफ करें, ड्राई करें, तब उसमें पानी भरें। अगर पानी घर में होगा तो मच्छर एडिस मच्छर पहले पैदा होगा, लार्वा पैदा होगा, जिससे डेंगू फैलने के चांसेस। इसलिए इसके लिए अगर नगर निगम लगा है, पूरा प्रशासन लगा, हम लोग घर घर जा रहे हैं और हम प्रचार कर रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि घर में ऐसा तो नहीं है, अगर ऐसा है तो उसको समझने सामने ही खत्म करा रहे हैं। लेकिन फिर भी इसमें बहुत प्रयास की आवश्यकता है। जैसे कंट्रोल हो रहा है इस एरिया में, वैसे वैसे बुखार कंट्रोल हो रहा है। हमारे साथ मौजूद है सौसैया अस्पताल में जो प्रिंसिपल है, इनको पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनसे हम बात करते हैं कि अब तक यहाँ क्या हालात हैं वायरल फीवर के और अब तक यहाँ कितनी मौतें हुई हैं और क्या बच्चों को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, किस तरीके से मैडम से बात करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर संगीता अनीज। क्या पद क्या है? प्रिंसिपल ऑफ दिस फिरोजाबाद मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अच्छा मैडम, यहाँ सौसैया अस्पताल में अब तक यहाँ पर जो बच्चे वायरल फीवर से जो भर्ती है, कितनों की यहाँ मौत हुई है और किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ बताती हूँ कि यहाँ पर एक्चुअली जब मानसून सीजन में कुछ डेंगू के पेशेंट्स आते थे, वो ट्रीट हो रहे थे, इस बार कुछ केसेस ज़्यादा आने लगे तो हमारे जो पीडियाट्रिक वार्ड्स थे वो फुल होने लगे। तो हमने अपने प्रमुख सचिव साहब से परमिशन मांगा कि ये हमने एक बिल्डिंग कोविड में जहाँ इलाज चलता था कोविड 1 और सेकेंड फेज में, हमने कोविड 3 फेज के लिए इसको तैयार कर रखा था। यहाँ पर 3 देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।